आजकल के मॉडर्न कल्चर में हम सबको फास्ट फूड काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसमें से पर्सनली मेरा फेवरेट है पिज़्ज़ा, पास्ता, चाइनीज़, ये सब। तो आज हम कुछ वही ट्राई करने वाले हैं। इसी गाइस, मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे दिन की शुरुआत अच्छे खाने के साथ होनी चाहिए, और मेरा आज का दिन अच्छा यहाँ पे होने वाला है। इसका नाम है सैन मार्जानो पिज़्ज़ा रियांडो। यस, एज यू नो गाइस, पिज़्ज़ा इट्स एन इटालियन डिश एंड इट बिलोंग्स फ्रॉम इटली। द सैन मार्जानो वी इम्पोर्ट्स दैट ऑथेंटिक इटालियन फ्लेवर्स स्ट्रेट फ्रॉम इटली टू आमची मुंबई। So I am very excited for this. They have their own specialty with some Indian touch. So I am looking forward to it. So देखते हैं आज उनके पास हमारे खाने में स्पेशल क्या होने वाला है। और ये चीज़ सिर्फ आपको सैन मार्जानो में मिलेगा, और ये लोकेट करता है कांदिवली के महावीर नगर एरिया में। तो चलिए मेरे साथ कुछ अच्छा फूड एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं आज हमारे खाने में स्पेशल क्या होने वाला है। लेट्स गो। Hey guys, what's up? This is me, your boy Sam. Welcome back to my channel, Sam's on Demand. जैसे guys, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे आया हूँ सैन मार्जानो में। तो आज हम यहाँ पे कुछ अलग एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि सब कुछ अनलिमिटेड रहेगा। तो यहाँ का जो स्पेशल वराइटीज़ है, इनके जो जो डिशेज़ है, तो उसके बारे में उनके ओनर से पूछेंगे। तो आइए उनके ओनर से मिलते हैं। हेलो सर, मैंने आपका ये चैनल काफ़ी नाम सुना है, सो मुझे बहुत ऐसा टेंपटिंग हो रहा था कि मैं यहाँ पे जाऊँ कुछ एक्सप्लोर करूँ। तो आपने ये कब स्टार्ट किया, और लॉकडाउन में इतना अच्छा आपका, तो भी जो लॉकडाउन में आपने से इतना अच्छे से मेंटेन रखा, सो उसका क्या थॉट प्रोसेस है आपने से कंटिन्यू रखा है? मेन हमारा ये थॉट प्रोसेस ये था कि मेरे पास हमने पहले नया रेस्टोरेंट है पोर्चुगल में, बाहर वांटेड टू एक्सप्लोर इंडिया, इंडियन मार्केट, तो वो चालू करना था। और मेन हमारा मेन है जो पिज़्ज़ा सॉस है, जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो सब इटली से आता है, जो मेनली टमाटोज है कम्स फ्रॉम इटली। एंड सैन मार्जानो इटसेल्फ जो नाम है, इट्स वन ऑफ द सिटी इन इटली, वहाँ के टमाटोज आर वेरी फेमस। इट्स बट लार्जर, रेड इन कलर, एंड दे डोंट हैव सीड्स। सो दैट्स हाउ, मेन वो ये है कि जो आपको पिज्ज़ा का टेस्ट आता है वो सॉस की वजह से ही होता है, एंड दैट इज़ वॉट वी मेक इट हियर एंड यू गेट the product from our side. और स्पेशली उसमें से मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि आपके पास अनलिमिटेड है, सो ये आपने कॉन्सेप्ट कैसे चालू किया? बेसिकली ये हमारा पर्पसेस था ये कि कुछ ऐसा अलग करना है जिसमें पीपल कैन कम एंड ट्राई डिफरेंट वराइटीज़, बट उनको क्या खाली बस एक अमाउंट पे करना है कि भाई हाँ 499 करना है, उसमें कितना भी खाओ। और मेन चीज़ क्या है कि ये बफे नहीं है, फ्रेशली सर्व ऑन टेबल है। ओके, सो आपको पहले आला कार्ट लो या अनलिमिटेड लो, क्वालिटी आपको वही मिलता है। बाकी जैसा नहीं है कि बफे पे रख दिया है और ठंडा हो गया। सो ये हमारा सबसे अच्छा चल रहा है अभी, और इसमें भी बहुत सारी वैराइटीज़ और ऑप्शंस है, 299, 399, 499, तो उसमें डिफरेंट वैराइटीज़ मिलता है, पिज़्ज़ास, पास्तास, ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। सो फूड एंड बेवरेजेस में इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, लिमिटेड भी है, अनलिमिटेड भी है, प्लस इनके पास वेगन फूड भी है। और जैसे कि मैंने यहाँ आने के पहले मैंने सुना था कि आपके पास कुछ चैलेंज भी है, पिज़्ज़ा चैलेंज, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक रखा हुआ है 24 इंच पिज़्ज़ा चैलेंज है, हल्क पिज़्ज़ा चैलेंज। उस चैलेंज में मतलब दो जन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको 24 इंच हल्क पिज़्ज़ा 10 मिनट में फिनिश करना है। अगर आप फिनिश कर लेते हो तो आपको 5000 कैश प्राइस मिलता है ऑन द स्पॉट। ओके, सो गाइस, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रिवॉर्ड पाने का जरिया है कि आपको 24 इंच का पिज़्ज़ा दो जन मिलके 10 मिनट में ख़त्म करना है। अगर आप वो 10 मिनट में ख़त्म कर गए तो आपको जगह पे सर आपको 5000 रुपीज़ कैश देंगे, और आपका जो पिज़्ज़ा रहेगा वो भी फ्री रहेगा। पिज़्ज़ा भी फ्री है, सो पिज़्ज़ा भी फ्री, प्लस पैसे की भी बचत और पेट पूजा भी हो जाएगा। सो आइए यहाँ पे देखिए और एक्सप्लोर करिए सैन मार्जानो का कैसा है टेस्ट और इनका इंग्रेडिएंट्स कैसा है। दूसरा एक चीज़ है कि यहाँ पे खाली नॉर्मल जो पिज़्ज़ाज मिलते हैं वो तो है ही, लेकिन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ाज भी है, जैसे डायमंड पिज़्ज़ा है। सो एक डायमंड शेप में आता है, बॉर्डर्स पूरा चीज़ी होता है, अंदर फिलिंग होता है विद चीज़,
So that's something different which we are doing. Grill stuff pizzas भी हैं. Okay, okay. So जैसे अंदर पूरा stuffing रहता है, दोनों तरफ से covered रहता है. So there are different kinds of pizzas. Plus Mexican भी है, जैसे Mexican rice and gravy है, Spanish rice and gravy है. So you have lot of varieties in terms of pizzas, pastas, burgers, wraps, rice items, Chinese items. So basically हमारे इंडिया में सब आप अलग अलग देश के अलग अलग वराइटीज आप फ्लेवर ऑथेंटिक क्यूजिन टेस्ट करा रहे हैं. सो उसके लिए शुक्रिया. और मेन थिंग है कि हमारा सभी एवरीथिंग इज मेड इन हाउस. तो हमारा कोई बाहर से नहीं होता है. तो एवरीथिंग इज मेड फ्रेशली इन हाउस. सॉस से लेके बर्गर से लेके एवरीथिंग. यहाँ पे वो कुछ प्रिजर्वेटिव डाला, कुछ यूज नहीं करते, कुछ नहीं. सो उनका सब फ्रेश फूड रहता है. तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे इनका टेस्ट कैसा है क्या. सो आइए देखते हैं उनका टेस्ट. थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू. तो गाइज अभी हम हमारा ऑर्डर कर रहे हैं कि यहाँ पे अनलिमिटेड में क्या क्या मिलने वाला है, मैं आपको बताता हूँ. वो भी 499 में से. तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सूप ऑफ द डे है. मतलब एक सूप रहेगा, चीज़ गार्लिक ब्रेड रहेगा और पोटैटो वेजीज या फ्राइज, दोनों में से आप कुछ भी मंगा सकते हो. तो हमने वेजीज ऑर्डर किया है. पिज़्ज़ा आप कोई भी दो पिज़्ज़ा हाफ हाफ करके ले सकते हो, या फिर सिंगल पिज़्ज़ा भी, आपको जैसा चॉइसेबल है वैसा ले सकते हो. और पेनी पास्ता है, रेड वाइट पिंक तीनों सॉस में. और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चॉकलेट मूज. ये सब वराइटीज़ आपको अनलिमिटेड मिलेगा. सिर्फ आपको कोई भी यहाँ का जो फूड है वो आप पार्सल नहीं लेके जा सकते और वो वेस्ट नहीं करना है. तो आपको जो भी जितना भी खाना है आप यहाँ पे कंज्यूम करके उसे ख़त्म कर सकते हो. और जैसे कि आपको दिख रहा है 499 में इतना सब पे मिलेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे सैन मैरिजानो में. अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन. आप देख सकते हो 499 में इतना सब कुछ, वो भी सब अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड आपको जो चीज़ चाहिए आप रिपीट कर सकते हो. सो पहले आपको ये पूरा कंज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिपीट कर सकते हो. बट 499 में
मुझे कहीं नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है सैन मैजर। मैं आपको हर एक चीज़ टेस्ट करके बताऊँगा इसका क्या फ्लेवर है, कैसे कैसे क्या क्या है इसमें। सो सबसे पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ सूप, पंचाव सूप है, सूप ऑफ द डे में। इसका थिकनेस काफ़ी अच्छा है जैसे आप देख सकते हो, और जो गर्म लग रहा है, हाँ अरोमेटिक है, टेस्ट बता दो आपका कैसा है। मंचाओ जैसे कि स्पाइसी भी है, थोड़ा सोया सॉस का जो टैंगी फ्लेवर रहता है वो भी है, तो टेस्ट में ओवरऑल नॉर्मल चाइनीज जैसा अच्छा है टेस्ट में। और इसमें आप देख सकते हो गार्लिक वगैरह, गार्लिक है, जो स्प्रिंग अनियन है काफ़ी कूट कूट के डाला हुआ है इसमें। सो मंचाओ सूप काफ़ी अच्छा है। दूसरा चीज़ मैं ट्राई करूँगा ये पोटैटो वेजेस और फ्राइज है। आपको यहाँ पे टू ऑप्शंस है, एक तो पोटैटो वेजेस है और सेकंड फ्राइज। सो मैं आपको दोनों टेस्ट करके बताऊँगा कैसा है। काफ़ी क्रिस्पी है, इसके ऊपर जो ऑरेगानो के फ्लेवर्स हैं वो भी काफ़ी सॉल्टी थोड़ा फ्लेवर रहता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैलेंस लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। आपको दूसरा पीस बोलता हूँ, यहाँ पे जो पोटैटो वेजेस है उसके ऊपर स्किन है, सो उन्होंने स्किन रिलने किया है, तो टेस्ट में जो इसका जो फ्लेवर है छिलके का वो भी काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि आपको पता है फ्राइज कहीं भी जाओ, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबको फ्राइज पसंद है। फ्राइज हाईली रिकमेंडेड सब वेज लोग को, पोटैटो फ्राइज किसी को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। अब इसमें भी इतना सारा है तो मैं सोच रहा हूँ अभी क्या टेस्ट करूँ दूसरा, तो मैं चीज़ गार्लिक ब्रेड के साथ ट्राई करूँगा अभी लाइक चीज़। देख सकते हो आप गाइस ये काफ़ी चीज़ी है, ऊपर से देखो काफ़ी सारी चीज़ है, चिली फ्लेक्स है, ऑरेगानोज है, चीज़ भी भर भर के। स्टार्ट देखो, चीज़ का फीलिंग देखो और गार्लिक का फीलिंग देखो, अंदर तलक दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है, चीज़ी तो अच्छा दिख रहा है। टेस्ट देखते हैं आप इसका कैसा है। सोबर जो फ्लेवर बोलते हैं वो है, जो गार्लिक का स्पाइसीनेस है उसका इतना बोलते ना वो टच इतना फील कर रहा है मुँह में, तो मज़ा आ रहा है। और ब्रेड काफ़ी स्पॉन्जी है, सो अगर गार्लिक ब्रेड अगर ठंडा भी हो जाए या फिर कुछ भी तो बहुत रफ लगता है खाने के लिए, बट काफ़ी स्पॉन्जी है, खाने में टेस्ट में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मज़ा आ रहा है। ओवरऑल अभी तक मैंने जो जो चीज़ खाई है सब टेस्ट में अच्छा है। तो अभी देखते हैं, अभी मैं ट्राई करूँगा पिज़्ज़ा के साथ, क्योंकि मैं मेरा ज़्यादा फोकस है पिज़्ज़ा और पास्ता पे, और ये मैं चीज़ बाकी सब खाते रहता हूँ, पिज़्ज़ा ये भी खाता हूँ, बट ये जितना अट्रैक्टिव दिख रहा है अगर आप देख सकते हो, तो पनीर चिली पिज़्ज़ा मंगाया हम लोगों ने, इसके ऊपर चीज़ भी देखो और टॉपिंग्स देखो। अगर आप कोई दूसरे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको वहाँ पर टॉपिंग्स बहुत कम मिलते हैं, तो क्या पिज़्ज़ा खाने में मज़ा नहीं आता है, और इनका अगर आप बेस देखोगे तो काफ़ी थीन लग रहा है, जो थीन क्रस्ट का मज़ा रहता है वो इसमें दिख रहा है, ये देख सकते हो आप थीन क्रस्ट में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मैं पहला पनीर चिली ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे चाइनीज़ भी बहुत पसंद है, तो पनीर चिली पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। ये पनीर की टॉपिंग देखो, चाइनीज़ का सॉस आप कहीं भी लेके जाओ, कोई भी डिश में डालो, पर्सनली मुझे बहुत फेवरेट लगता है चाइनीज़, मेरा फेवरेट है। तो इसका बेस है पिज़्ज़ा का, वो भी थीन है, क्रिस्पी है, तो मज़ा आ रहा है, और जो टॉपिंग्स है वो काफ़ी फ्लेवरफुल है, जो पनीर है अच्छा स्टफ किया हुआ है। यहाँ पे अगर किसी को
ऑलिव डालना, ऑलिव ऑयल है, गार्लिक ऑलिव ऑयल, वो भी आप पोर कर सकते हो उसमें। तो मुझे तो ये बेसिक टेस्ट ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो मैं कुछ डालूंगा नहीं। तो मुझे प्लेन और बेसिक खाने में मज़ा आ रहा है। देखते हैं इसके अंदर कैप्सिकम है, अनियंस है, जो चिली सॉस और इसका सोया सॉस का जो फ्लेवर आ रहा है चाइनीज़ का, मज़ा आ रहा है। पनीर भी देखो काफ़ी फ्रेश लग रहा है, पनीर भी काफ़ी फ्रेश लग रहा है, तो मज़ा आ रहा है खाने में। टेस्ट में तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये जितना मेसी फूड है, फूड ये देसी बंदे को मेसी फूड, तो मज़ा आ रहा है मुझे खाने के लिए। और ये दूसरा डिश ट्राई करते हैं जो है मैक्सिकन पिज़्ज़ा। इसके टॉपिंग्स देखो, इसमें इतने सारे पेपर्स है, रेड, येलो, ग्रीन, सब पेपर्स है इसमें। और ऑलिव्स है, कॉर्न्स है, चीज़ तो भर भर के है। और मेरा पर्सनल फेवरेट एलेपिनो, ये भी है ऑलिव्स और एलेपिनो, तो मैंने वो स्पेशली उसके लिए मंगाया। और चीज़ तो भर भर के दिख रही है, तो टेस्ट करते हैं इसका। टेस्ट में जो इनका टोमेटो का फ्लेवर है, जैसे इन्होंने बताया कि इनका सैन मैरिनो से जो टोमेटोज आते हैं, सो उसका जो टैंगीनेस है टमाटर का, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। मतलब वो पिज़्ज़ा को रफ नहीं कर रहा है, सॉसी लग रहा है, अच्छा लग रहा है खाने में, ड्राई नहीं लग रहा है, तो मज़ा आ रहा है खाने में। और एक चीज़ के साथ एलेपिनोज, हाँ हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, सेहत देखो सही बात है, बट खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करो। तो खाओ पियो, खुश रहो और मेरे वीडियो को लाइक करते रहो। मैं इसके साथ थोड़ा ये चिली गार्लिक, गार्लिक या फिर ये चिली सॉस, चिली ऑयल है, ऑलिव ऑयल, सो ये मैं थोड़ा पोर करके देखा था आपको कैसा टेस्ट है। ज़्यादा हो गया बट स्टिल लेट्स हैव अ बाइट। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। इसका जो क्रिस्पीनेस है मुझे याद आ रहा है, का स्पेशलिटी वही अच्छा लग रहा है सॉस का, और इनका जो क्रिस्पीनेस है पिज़्ज़ा के बेस का, फ्रेश पिज़्ज़ा है। अगर आप बाहर कोई फ्रेश जैसे खा रहे हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको सैन मैरिनो, वेज वाले के लिए बहुत सही प्लेस है, ज़रूर विजिट कीजिए। अभी आप ट्राई करेंगे पिंक सॉस पास्ता, तो इसमें देखो गाइस काफ़ी, ये पेनी पास्ता है, पिंक सॉस में ऑलिव्स है, चीज़ है, सॉस का कलर देखो इतना प्यारा लग रहा है, बहुत टेम्प्ट कर रहा है मुझे खाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ी भी लग रहा है। फुल्ली क्रीमी है, फुल्ली क्रीमी, चीज़ का जो फ्लेवर है और जो सॉस का फ्लेवर है, मिल्क का फ्लेवर आ रहा है इसमें, क्रीम का फ्लेवर आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी लग रहा है, मज़ा आ रहा है खाने में। ऑलिव्स है, ब्रोकली है, सो इसमें वेजेस भी आप देख सकते हो, अच्छे खासे वेजेस डाले, कोई कंजूसी नहीं है वेजेस के लिए भी, हेल्दी है, खाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ये देख सकते हो आप, ये है चॉकलेट मूस डेजर्ट, गार्निश देख सकते हो उसका, पेंटिंग देखो बहुत प्यारा लग रहा है, ऊपर से वाइट चॉकलेट चिप्स है और पाउडर शुगर डस्ट किया हुआ है, फुल्ली चॉकलेट लोडेड है, फुल्ली चॉकलेट लोडेड, पूरा चॉकलेट ही है, तो टेस्ट करते हैं। चॉकलेट यार सबका फेवरेट रहता है, तो इसके लिए कोई डाउट नहीं रहेगा। इतना जितना भी खाना खाया
उसमें चॉकलेट ऐसा जो लास्ट में फ्लेवर दे रहा है बहुत मज़ा आ रहा है, और जो चिल्ड है उसके ऐसे बहुत प्यार लग रहा है। सो हाईली रिकमेंड करूँगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। थैंक यू।